नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहांगीराबाद के केनरा बैंक में किसानों के साथ हुआ धोखा। वहीं आपको बता दें कि लोन दिया नहीं लेकिन खतौनी में चढ़ा दिया गया और किसानों का शोषण में कृषि कार्ड बनाने पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए मजदूर किसान संघर्ष दल मकसद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर बैंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन तहसीलदार को दिया। इंजीनियर साहब, आज ये धरना दे रही हैं आपके बैंक पे किसान दल के नेता, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, इनके जो केसीसी उसमें खतौनी में जो इनके लोन चढ़े हुए हैं, लोन इनके हुए नहीं थे, पुराने जो मैनेजर थे वो करके नहीं गए। अब मैं इनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, जितनी भी मेरे पास फाइल पेंडिंग पड़ी है सबकी लिस्ट बना के ऊपर हायर अथॉरिटी से जो है परमिशन लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ जो है कार्यवाहक के रूप में आया हूँ, ना कि परमानेंट। क्या नाम आपका? मेरा नाम है पवन कुमार गुप्ता। आपके कार्यकर्ताओं ने किस संबंध में दिया है? मजदूर किसान संघर्ष दल के जो सम्मानित पदाधिकारियों ने जो ज्ञापन दिया है वो कैनरा बैंक में जो किसानों के संग जो केसीसी का जो ऋण वितरण है उसमें जो अनियमितता है उसके विरोध में दिया है और ये मांग की है कि ये जो इसमें जो अनियमितता है वो खत्म की जाए और किसानों को का जो शोषण हो रहा है इस प्रक्रिया में उसको वो ना हो। तो ये मैं जिन्होंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधन किया मैं उनके माध्यम से सक्षम स्तर पर पहुंचा दूंगा। और मजदूर किसान संघर्ष दल मकसद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला आज धरने पर क्यों बैठे हो? अभी दो दिन पहले हम लोगों को मालूम पड़ा, कुछ किसानों का दर्द की मालूम पड़ा कि यहाँ किसान आए और उनका दिखाया गया है कि चार चार महीने से उन किसानों का जो लोन है वो इंतका पे चढ़ा हुआ है और वो लोन किसानों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उलट यहाँ जो लोन दिया जा रहा है उन किसानों को मिल रहा है, चाहे वो इस क्षेत्र का है या नहीं, जो 10% से लेकर के 25% इस बैंक को दलाली दे रहा है। हमारा यहाँ जो धरना प्रदर्शन है इस बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, यहाँ दलालों के खिलाफ धरना प्रदर्शन है और हमारी मांग है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए और जितने भी किसानों का शोषण हुआ है, जिनसे भी दलाली ली गई है, उन सभी किसानों की दलाली वापस की जाए। और क्या मांग है इसके अलावा? जिनके चढ़े हुए लोन हैं वो सभी किसानों को लोन मिले और इस बैंक के साथ साथ हो सकता है कि ये पूरे जिले में, प्रदेश में, भारत में अन्य बैंकों में भी चल रहा हो घपला। तो हमारी भारत सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि अपने अधिकारियों को लगाइए, अगर किसानों का कहीं शोषण हो रहा है तो उन शोषण के खिलाफ जो अधिकारी शोषण कर रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको तत्काल जेल भेजें। कौन सा बैंक है ये? बैंक कैनरा बैंक जहांगीराबाद है और यहाँ की दलाली हमारे सामने आई है,